बताता हूँ, ना तो मैं कोई PFI का मेंबर हूँ और ना ही मैंने कभी PFI के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। आप अगर कोई आरोपी हैं तो आप BJP ज्वाइन करिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो तो शुक्र है अगर आसाराम ने ये कह दिया ना कि मैं BJP ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आसाराम को ही थमा देते, इनका बस नहीं चल रहा। इस देश के अंदर सबसे करप्टेड पार्टी, सबसे ज़्यादा दंगे कराने वाली पार्टी सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। भाई सुन लीजिए, मैं मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ, मोदी जी की तरह टेरी प्रॉम्प्टर में तो देख के बोलता नहीं हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होगी, और कोई इतना बड़ा जघन्य अपराध तो कर नहीं दिया मैंने। जो जघन्य अपराध करके बलात्कारी घूम रहे हैं, कभी आपने उनसे पूछा है कि वो बलात्कारी कैसे MLA बन जाते हैं? ये बताइए ना, जो तड़ीपार रहते हैं वो कैसे गृहमंत्री बन जाते हैं? उनसे तो नहीं पूछा जाता। और मुंह में गुटखा चबा के आप देश को सीख दे रहे हैं, मुंह में गुटखा चबा के देश को सीख दे रहे हैं। कम से कम आप एक बात मुझे बताइए, इसमें कुछ गलत नहीं है मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी जो ये हैं, ये लोग हैं, क्योंकि जब बात नौजवान के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की हो गई, तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के पत्रकार हैं उनको भी तो दर्द और तकलीफ होगा। वो कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा, जब मोदी जी भगवान के नाम पर भर रहे हैं पर्चा, तो क्यों हो रही है शिक्षा पे चर्चा? आप करिए भगवान पे चर्चा। अभी ये हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति आपको देश के अंदर नजर आ रही है, ये भी और तेजी से नजर आएगी, ठीक है ना? एक और तो मोहन भागवत जो है और BJP जो है वो वोट बटोरने के लिए मदरसों में जाते भी हैं, ठीक है ना, मस्जिदों में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी शेखों के हाथ भी चूमते हैं, लेकिन दूसरी ओर वोट बटोरने के लिए, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए इस देश में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है। इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम सिर्फ आपस में चुनाव के लिए लड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी सारे आतंकवादी हों, PFI वाले हों, चाहे ये RSS वाले, नहीं RSS वाले तो देशभक्त हैं, जब तक BJP की सरकार है तब तक RSS वाले देशभक्त हैं, बाकी सारे के सारे संगठन जितने भी हैं वो देशद्रोही संगठन हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये सारे आतंकवादी जो हैं ये चुनाव के समय पे ही क्यों पकड़े जाते हैं? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कोई आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता है? सवाल का जवाब सरकार दे, सीधे तौर पर दे। दूसरी बात क्या है, ये तमाम मुद्दे इस देश में इसलिए लाए जाते हैं ताकि जो बेटियों के बलात्कार का मुद्दा है उसे छिपा दिया जाए। आप सभी को याद है लखीमपुर के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, क्या इंसाफ मिला उसे? क्या कोई बता पाएगा? किसी को भी नहीं पता। मैं एक इतने सारे पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल, इस देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था अब तक, जब से मोदी जी आए तब से लेकर अब तक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? क्योंकि इस देश के अंदर हर दिन एक नया मुद्दा आता है, हर दिन एक नया मुद्दा। अभी एक भाई ने बोला पुलवामा, एक भाई बोले अंकिता का मामला, एक भाई बोले हाथरस का मामला, तो एक भाई बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि जो अभी उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस की, तो मतलब इस देश के अंदर रोज डेली कोई नया मुद्दा होता है, जिस कारण आम जनता के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये कहीं ना कहीं दब चुके हैं। हर दिन इस देश में कोई नया मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, कहीं बताया जाता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, कहीं बताया जाता है मदरसों में ये होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े थे? मदरसे से पढ़कर निकले थे, लेकिन उन्होंने इस देश को क्या दिया? मिसाइल। लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो इस देश के अंदर सिर्फ जहर बहला सकता है, सिर्फ जहर का काम कर सकता है, वो काम इस देश की सरकारें कर रही हैं। इस देश की आपकी नजर में PFI सही बैन हुआ या गलत है वो? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ना तो मैं कोई PFI का मेंबर हूँ, ठीक है, और ना ही मैंने कभी PFI के अंदर कभी जाकर देखा है कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। इस देश के अंदर लाखों करोड़ों संगठन चलते हैं, आप किसी संगठन के ऊपर ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण लगाए वो सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए, RSS आपकी नजर में, RSS आपकी नजर में कैसा संगठन है? कार्य कर रहा है, राष्ट्रवादी बताते हैं उसको, सामाजिक कार्य कर रहा है, तो क्या आप उम्मीद करेंगी कि आपका भाई सुबह सुबह लठ उठाकर सुबह सुबह पहुंचे शाखा करने? आपका भाई सामाजिक कार्य नहीं करेगा, सारा सामाजिक कार्य करने का ठेका हम लोगों ने ले लिया है। आपका भाई भी कोई सामाजिक कार्य करेगा, नेताओं के बच्चे भी कोई सामाजिक कार्य करें? अमित शाह जी का बेटा जैसा कोई सामाजिक कार्य करेगा या नहीं करेगा? नरेंद्र मोदी जी का हाल ही में आपने एक भाषण सुना होगा जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने इस देश के अंदर जो खेल हैं उससे परिवारवाद को समाप्त कर दिया है, और उधर बैठे जैसा सोच रहे होंगे, पापा से पूछ रहे होंगे कि पापा ये मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी अंकल क्या कह रहे हैं, तो अमित शाह जी उनको समझाते होंगे कि बेटा भूल गए,
मोदी जी जुमला देने में माहिर हैं, वो 15 लाख वाला भी तो जुमला दिया था, वो भी तो मैंने ही आके समाप्त कराया ना। देखा ना, मैंने सामने आके बोला कि 15 लाख का जुमला है। तो भैया आपने खेलों से अगर जो समाप्त कर दिया परिवारवाद, तो ये बताइए ना कि अमित शाह जी का बेटा बिना क्रिकेट खेले वो कैसे बन गया भैया जैसा बीसीसीआई के अंदर, ये बताइए ना। कोई गरीब माँ का बेटा तो नहीं बनता। देखिए मैं आपको बता दूँ, इस देश के अंदर सुरमा भोपाली जो हैं, सुरमा भोपाली कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं, आपको पता है। उनसे बड़ा तो जुमला कोई फेंकता ही नहीं है। दूसरी बात, गृहमंत्री जी के बेटे का मजाक क्यों नहीं बनेगा? वो गृहमंत्री जी खुद इस देश के लिए एक मजाक हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो न्याय की मांग, गृहमंत्री लोगों से कहते हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा। अरे भैया आप कौन सा न्याय दिलाएंगे? आप खुद कौन से दूध के धुले हैं, ये बता दीजिए ना। आज की डेट में अगर किसी के भी ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगता है, और किसी भी नेताओं को, ये जरूरी सूचना ब्रेकिंग न्यूज़ जो है मैं ये दे रहा हूँ देश के नेताओं को स्पेशल, अगर किसी भी विपक्ष के नेता को खतरा लगता है तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। आप अगर कोई आरोपी हैं तो आप बीजेपी ज्वाइन करिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। वो तो शुक्र है अगर आसाराम ने ये कह दिया ना कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये लोग महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा आसाराम को ही थमा देते, इनका बस नहीं चल रहा। इस देश के अंदर सबसे करप्टेड पार्टी, सबसे ज़्यादा दंगे कराने वाली पार्टी सिर्फ एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ चुनावी प्रचार पे खर्च करती है, बाकी ना तो देश के जवान के लिए और ना ही देश के किसान के लिए इनके पास कोई योजना है। अभी आप देख लीजिए, किसान दोबारा से धरना प्रदर्शन करने की लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, क्योंकि किसान के ऊपर लगे जो तमाम केसेस हैं वो अब तक वापस नहीं हुए हैं। आपने देखा अभी भी किसान जो हैं कुछ जेल के अंदर पड़े हुए हैं जो आंदोलन के अंदर थे। तो आप एक बात मुझे बताइए कि इस देश के अंदर हम सारे जिंदगी क्या हम लोग इसी चीज़ पर चर्चा करते रहेंगे, मंदिर और मस्जिद को लेकर? राम मंदिर का एक बड़ा मसला था, राम मंदिर के मसले का समाधान हुआ तो देश के नौजवानों के बीच एक उम्मीद जगी कि अब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा इस देश से समाप्त हुआ है, अब बारी हमारी है। अब बारी इस देश के अंदर महिलाओं के अंदर उम्मीद जगी कि अब बारी हमारी भी है, नौजवान के अंदर उम्मीद जगी कि बारी अब रोजगार की है, बारी अब चर्चा महंगाई की है, अब बारी शिक्षा की है, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की है। लेकिन देश के नौजवानों को क्या पता था कि एक बार फिर उनको हिंदू और मुसलमान के नाम पर चूना लगाया जाएगा। इस देश के अंदर आए दिन कोई ना कोई मुद्दा आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर सुनने को मिलता है। कभी कोई हिंदू आकर कहता है, हिंदू संगठन आकर कहता है कि इस देश के अंदर मुसलमान जिहादी हैं। अरे भैया आप एक बात मुझे बताइए, जिस देश को आप हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, आपने उस देश के इतिहास के बारे में क्या पढ़ा है? इसी देश के मुसलमान थे, ठीक है ना, और उन्होंने इस देश को मिसाइल दी। भारत देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर रहने वाले तमाम एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को समान राइट और समान अधिकार दिए, जिस कारण आज मोहित शर्मा आपके बीच खड़े होकर बोल पा रहे हैं। उन्हीं पार्कों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था कल लखनऊ में। देखिए ये वो पार्क हैं जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा आज जो रेवेन्यू दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को दे रहे हैं, और भारत के अंदर अगर ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे बड़ा जो पैसा कलेक्ट कर रहा तो वही पार्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको ये मूर्तियां और बुत कहते थे वो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान और प्रतीक है, और आप तो कह रहे हो कि ये रैली हो रही है। अरे रैलियां नहीं, रेला भी होते हैं, फिल्में भी बनते हैं और मेला भी होते हैं। तो इनके अंदर जो ये बुत जिन्हें कहते हो, ये सम्मान है, स्वाभिमान है, ताकत है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी ताकत तो ये तो अभी फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है, आप आने तो दो हमें पूर्ण बहुमत से, तब दिखाएंगे आपको।